Good morning class, this is our new Anya physio class in which today we will study about the remaining portion of reproductive system, that is penis. We will study about the penis, which is an external genitalia, genital part of the male reproductive system. Actually it is a cylindrical pendant organ जो कि स्क्रॉटम के एंटीरियरली लोकेटेड रहता है. सिलेंड्रिकल ऑर्गन है, स्क्रॉटम के आगे पाया जाता है. इसमें तीन कॉलम्स होते हैं इसके इरेक्टाइल टिश्यू के, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में रैप्ड रहते हैं और स्किन के द्वारा कवर्ड रहते हैं. पेनिस में तीन कॉलम्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा रैप्ड रहते हैं और स्किन से कवर्ड रहते हैं. सिंगल मिडल लाइन वेंट्रल कॉलम जो कि यूरेथ्रा को सराउंड किए रहता है, इसको अपन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं. एक सिंगल मिडलाइन का वेंट्रल कॉलम है जो कि यूरेथ्रा को सराउंड किए रहता है, इसको अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. तीन पार्ट्स, रूट, बॉडी और ग्लांस पेनिस. बॉडी को आप शॉफ्ट भी कहते हैं, रूट, शॉफ्ट और ग्लांस पेनिस, ये पेनिस के तीन पार्ट्स हैं. पेनिस की रूट जो है वो प्यूबिक आर्क से जुड़ी हुई रहती है. बॉडी जो विजिबल पोर्शन है आपको, पेनिस का जो विजिबल पोर्शन होता है वो बॉडी होती है और उसका प्यूबिक आर्क से जुड़ा हुआ पोर्शन रूट कहलाता है. ये पेनिस की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यूरेथ्रल ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट के बीच में है, दो प्रोस्टेट के बीच में यूरेथ्रा, या यूरेथ्रा के दोनों साइड में प्रोस्टेट दिखाया गया है. ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो अपना सीक्रीशन इसमें डालेगी, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है. ये स्क्रॉटम के आगे की साइड में पेनिस दिखाया गया है जिसमें कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो अभी अभी अपन ने पढ़ा, और ये स्पॉन्जी यूरेथ्रा, और इसका टिप के पार्ट को ग्लांस पेनिस कहते हैं. फंक्शन क्या होता है भाई, वेजाइना में स्पर्म का ट्रांसफ़र करना. पेनिस का क्या काम है, वेजाइना में स्पर्म का ट्रांसफ़र करना. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटेंड होती हुई यूरेथ्रल एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस तक जाती है जो कि पेनिस के टिप पर होता है. यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटेंड होती है पेनिस के टिप पर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस में खुलता है ये यूरेथ्रा. ये स्पर्म का पैसेज वे है, स्पर्म और फ्लूड का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकल रहा है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलने वाले स्पर्म और फ्लूड का पैसेज वे होता है, और यूरिनरी सिस्टम से निकलने वाले यूरिन का भी पैसेज वे होता है. तो स्पर्म, फ्लूड्स और यूरिन का पैसेज वे होता है. यूरिन निकलता है यूरिनरी सिस्टम से, स्पर्म और फ्लूड निकलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. ये यूरेथ्रा तीन रीजन्स में डिवाइड होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा. अभी इस डायग्राम में अपन ने देखा था प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और पेनिस में जो जा रहा है वो पिनाइल यूरेथ्रा. अब इरेक्शन क्या होता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन लेंथ, विड्थ एंड फर्मनेस. इसमें पेनिस की लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और फर्मनेस, मतलब उसका सॉलिडिफिकेशन काफ़ी टाइट हो जाती है उस दौरान. तो सॉलिडिफिकेशन, फर्मनेस एक तरह से सॉलिडिफाई होना, मतलब टाइट हो जाना है उस दौरान. इस इरेक्शन के दौरान वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी चेंजेस होती है, आर्टरियल्स डायलेट होती है और वेंस कॉन्स्ट्रिक्ट होती है. स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू जो है वो ब्लड से भर जाते हैं. इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक एबनॉर्मैलिटी है अगर मेल के अंदर ये पाई जाती है, मतलब अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है पेनिस का, तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं. इसी को अपन इम्पोटेंसी कहते हैं, जो इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इम्पोटेंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कहते हैं. अब हॉर्मोन्स देखिए भाई, FSH, ICSH, टेस्टोस्टेरोन. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन. दूसरे हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन ICSH, जो कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन शुरू करवाएंगे, स्टिम्युलेट करेंगे टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को. तीसरा है टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन, जो कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स को डेवलप करवाते हैं या उसको स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि
बियर्ड का आना, हेयर्स का ग्रोथ होना, वॉइस का भारी होना, ये जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, एग्रेसिवनेस हो आना, मेल के अंदर एग्रेशन होना, ये सारा टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही आने वाले चेंजेस हैं जो मेल के अंदर देखे जा रहे होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ कैसे, न्यू बॉर्न के अंदर देखिए काफ़ी कम है, चाइल्ड में बहुत कम होता है, एडोलेसेंस में थोड़ा ज़्यादा, एडल्ट में 20-30 ईयर्स में बहुत ज़्यादा, फिर 40, फिर लेट स्टेज में कम होता जाता है इसका प्रोडक्शन। तो इसी के अंदर, इसी के अकॉर्डिंग चेंजेस देखे जाते हैं। बस इतना काफ़ी है आज के लिए, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू।